जब भी कभी आपको अपनी लाइफ डिसअपॉइंट करे और आप हमारी तरह कंटेंट के दीवाने हो तो इस वीडियो सीरीज के पार्ट का कोई एक ड्रामा सीरीज को उठाकर देख लो, आपको एक सुकून सा फील कराएगी। अपनी दुनिया भुलाकर इनकी दुनिया में आप खो जाओगे। खासकर बोनस सीरीज को जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो टॉप 10 कोरिया की अब तक की सबसे बेहतरीन कोरियन ड्रामा पार्ट 3। अगर आप कोरियन ड्रामा के डाई हार्ट फैन है और इसके प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो यकीन मानिए कोरिया की सबसे बेहतरीन सीरीज को आप मिस कर रहे हैं। लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस भाई सिर्फ क्वालिटी के लिए एक सब्सक्राइब कर दीजिए और यकीन मानिए कोरियन ड्रामा से एक लगाव सा लगा जाएंगे। नंबर 7 की ड्रामा सीरीज लिटरली समझ नहीं आ रहा था कि इस ड्रामा सीरीज को किस नंबर पे रखे, क्योंकि भाई इस लिस्ट की हर एक कोरियन ड्रामा सीरीज टॉप क्लास की है। वो अमीरी और गरीबी वाला कॉन्सेप्ट ना भाई दिल को छू लेती है। 2013 की रोमांस ड्रामा के साथ द हायर्स स्टोरी 2-3 कैरेक्टर की अपनी अपनी स्टोरी के इधर गिधर घूमती है, जहां हमारी लीड एक्ट्रेस अपनी बहन को ढूंढने कोरिया से अमेरिका जाती है, जहां अजीबो गरीब तरीके से हमारे लीड एक्टर से मिलती है। फिर वहां से कोरिया आने के बाद आपको कोरिया की अंदाज में इन दोनों के बीच धीरे धीरे वो लव वाला इमोशंस देखने को मिलेंगे। ट्विस्ट तो ये है कि हमारी लीड एक्ट्रेस की माँ हमारे हीरो के घर बर्तन धोने का काम करती है, जो भाई नो डाउट आपको इमोशनली हिट करेगी। ये मत देखो भाई की सीरीज नंबर 7 पे है, आप सीधा देख डालो। नंबर 7 की वजह से सीरीज को मिस मत करना, आप एक बेहतरीन सीरीज को मिस कर देंगे। हिंदी डबिंग के साथ फ्री में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 6 की ड्रामा सीरीज, अगर आप एक अच्छी हाई स्कूल टीनेज रोमांस ड्रामा सीरीज देखना चाहते हैं तो ये ड्रामा सीरीज आपके लिए। 2009 की सुपर डुपर हिट रोमांस ड्रामा के साथ बॉयज ओवर फ्लावर्स। सीरीज थोड़ी पुरानी जरूर है, पर यकीन मानिए धीरे धीरे करके ये सीरीज आपकी इमोशंस बन जाएंगी। हर एक को इस ड्रामा सीरीज से कोई ना कोई कैरेक्टर से आप 100% रिलेट कर पाएंगे। स्टोरी भाई वही टिपिकल अमीर और गरीबी वाला कॉन्सेप्ट, जहां स्टोरी एक गरीब लड़की की है जिसे शहर के सबसे अच्छे स्कूल में एडमिशन मिल जाती है, जहां सिर्फ अमीरों के बच्चे पढ़ा करते हैं। फिर वही स्कूल बुली टॉर्चर फिर लव, जिसमें ट्रायंगल नहीं भाई ट्रायंगल प्लस लव स्टोरी देखने को मिलेंगी। स्टोरी भाई टिपिकल जरूर है, लेकिन फिर भी ये ड्रामा सीरीज आपकी इमोशंस को टच करेगी। हिंदी डबिंग के साथ फ्री में एमएक्स प्लेयर पे अवेलेबल है। नंबर 5 से पहले बोनस नंबर 1 की ड्रामा सीरीज यार आपके दिमाग पे गहरा इंपैक्ट डालेगी। सीरीज आपको सीधा 1987 की सियोल में ले जाएंगी, जहां हमारे लीड हीरो पे आरोप है कि वो नॉर्थ कोरियन स्पाई एजेंट हैं। अगर पकड़े गए भाई तो बुरी तरह से टॉर्चर किए जाएंगे। इन बीच में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे लीड एक्ट्रेस इन दोनों के बीच की वो लव वाला इमोशंस, भाई सीरीज आपके लिए इमोशंस बन जाएंगी। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की तरफ से रोमांस ड्रामा के साथ स्नो ड्रॉप। बस सीरीज का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है भाई इसके लंबे लंबे एपिसोड, लेकिन फिर भी ये सीरीज आपके दिमाग पे छाप छोड़ जाएगी। हिंदी डबिंग के साथ डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे अवेलेबल है। नंबर 5 की ड्रामा सीरीज भाई, अगर आपको जॉम्बी खतरनाक मॉन्स्टर टाइप सीरीज देखना काफी पसंद है, ऊपर से कोरिया की प्रेजेंटेशन के साथ, तो ये कोरियन ड्रामा सीरीज आपके लिए। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2020 की हॉरर फैंटेसी के साथ स्वीट होम। एक वायरस की वजह से पूरे शहर के लोग अजीबो गरीब मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जहां एक अपार्टमेंट को पूरी तरह से क्वारंटाइन कर दिया गया। अब कब तक सरवाइव कर सकते हैं, बाहर एक से बढ़कर एक मॉन्स्टर घूम रहे हैं। अगर आपको काट लिया तो आप भी मॉन्स्टर बन जाएंगे। ऐसी पेंडेमिक से भरी डर के माहौल में, जहां एक दूसरे पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, वहां आप कैसे सरवाइव करेंगे। ये ड्रामा सीरीज भाई आपको टोटल 8 एपिसोड में आपको हाईएस्ट लेवल पर ले जाकर एक्सपीरियंस कराएगी, वो भी कोरिया की अंदाज में। बस थोड़ी बीच की एपिसोड में भाई थोड़ी पेशेंस रखिएगा, फिर ड्रामा सीरीज आपके लिए बेस्ट होगा। और खुशी की बात है 3 साल के बाद नेटफ्लिक्स की तरफ से इसके सेकेंड सीजन का कंफर्मेशन हो चुकी है, जल्द ही आने वाली है अराउंड अक्टूबर नवंबर। जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। नंबर 4 की ड्रामा सीरीज यार आप ही सोचो, एक इंसान और एक मरमीट जलपरी के बीच की एपिक लव स्टोरी कितनी रोमांटिक होगी। नंबर 4 की सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी 2016 की रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी। स्टोरी भाई एक मरमी जोसेन पीरियड से सीधा आज की सियोल की धरती पे आती है, जहां अजीबो गरीब तरीके से हमारे लीड एक्टर से मिलती है। जिस तरह से इस ड्रामा सीरीज की स्टोरी बता रहे हैं भाई, ये सीरीज उससे भी कई लेवल ऊपर है। एक मरमी पानी से सीधा धरती पे आना, वो अकेलापन, हमारी लैंग्वेज समझना, किसी से मिलना, फिर धीरे धीरे करके वो प्यार वाला इमोशंस, और बड़ी बात भाई वो एक मरमीट की सुपर पावर। यकीन मानिए ये सब देखने में मजा बहुत आएगा। धीरे धीरे करके इस ड्रामा सीरीज में आप खोते चले जाएंगे। जरूर देखिएगा, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 3 से पहले बोनस नंबर 2 की सीरीज भाई कोरिया की अब तक की सबसे बेहतरीन कोर्टरूम ड्रामा में से एक। ऐसी ड्रामा सीरीज की हर एक एपिसोड भाई आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई करेगी। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2022 की लीगल ड्रामा के साथ जुवेनियल जस्टिस।
जहां माइनर क्रिमिनल को सजा दिया जाता है। और मानना पड़ेगा भाई कोरिया की प्रेजेंटेशन को, एक माइनर क्रिमिनल को सजा दिया जाए या फिर एक मौका देकर माफ कर दिया जाए, एक जज के लिए इतना आसान नहीं। इस ड्रामा सीरीज को आप देखना स्टार्ट करिए, हर एक एपिसोड आपके लिए बिंज वॉच रहेगी, नेटफ्लिक्स की हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 3 की सीरीज साउथ कोरियन सुपर हिट एक्टर सॉन्ग जुंग की ड्रामा सीरीज हो, जिन्हें हमने डिसेंडेंट ऑफ द सन में इनकी एपिक रोमांस देख चुके हैं। सिर्फ इनकी एक्टिंग के लिए भाई पूरी ड्रामा सीरीज देख जाएंगे, हम ऑडियंस के बीच गजब का क्रेज है भाई। हम बात कर रहे हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से एक्शन कॉमेडी के साथ वेन सेंजो। स्टोरी भाई वेंसेंजो की कैरेक्टर पे बेस्ड है, जो कि इटालियन माफिया है, जिसे किसी वजह से अपने होम टाउन कोरिया आना पड़ता है। क्यों आते हैं, जिसके पीछे छिपी है भाई कुछ खतरनाक ट्विस्ट, वो क्या आप इस ड्रामा सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस करो। हर एक एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे, बस इसे देखने के लिए भाई रखनी पड़ेगी पूरी पेशेंस। 1 से 1.5 घंटे की लंबे एपिसोड आपको खींची हुई फील कराएगी, बाकी सीरीज को आप डेफिनेटली देखना स्टार्ट करिए। एक माफिया की स्टोरी जिनकी स्वैग आपको काफी पसंद आएंगी, नेटफ्लिक्स पे हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। नंबर 2 की सीरीज भाई आप बेसबॉल प्लेयर हो, बड़ी सेलिब्रिटी है और एकदम से आपको जेल में पकड़ कर डाल दिया जाए तो भाई आपकी दुनिया खत्म सा हो जाएगी ना। नंबर 2 की कोरियन ड्रामा सीरीज को आप देखो, कोरिया की सुपर डुपर हिट 2017 की प्रिजन प्लेबुक। स्टोरी भाई एक बेसबॉल प्लेयर जिसे अमेरिका बुलाया जाता है खेलने के लिए, फिर एकदम से उन्हें जेल में डाल दिया जाता है उस जुर्म के लिए जो आपने किया ही नहीं। एक सेलिब्रिटी से सीधा क्रिमिनल, आखिर ऐसा उनके साथ हुआ क्या जिसके वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, कैसे जेल में रहकर खुद को सही साबित करेंगे, ये सीरीज आपको कोरिया की अंदाज में दिखाएगी। और नो डाउट भाई टॉप लेवल की है, अब सीधा एक्सपीरियंस करो, हिंदी डबिंग के साथ जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। नंबर 1 से पहले बोनस नंबर 3 की सीरीज भाई इसके कॉन्सेप्ट काफी इंटरेस्टिंग है। आप ही सोचो इस दुनिया में आप सेफ हो और आपकी आत्मा एकदम से कोरिया की जोसन डेस्टिनी की क्वीन में चला जाए, सीधा मेल की बॉडी से फीमेल की बॉडी में, इस मॉडर्न दुनिया से सीधा राजा महाराजा की दुनिया में। ये ड्रामा सीरीज आपको एक्सपीरियंस कराएगी कोरिया की सुपर डुपर हिट रोमांस फैंटेसी ड्रामा के साथ मिस्टर क्वीन, एक मेल बॉडी से सीधा फीमेल के बॉडी में, जो देखने में मजा बहुत आता है। डेफिनेटली इस ड्रामा सीरीज को जरूर देखिए, हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल। नंबर 1 से पहले भाई आपके तरफ से 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब सिर्फ क्वालिटी के लिए कर दीजिए। नंबर 1 की ड्रामा सीरीज भाई कोई एक बंदा ना होगा जो बोल दे कि ये ड्रामा सीरीज नंबर 1 पर क्यों है, ये सीरीज डिजर्व करती है नंबर 1 की पोजीशन। नेटफ्लिक्स की तरफ से 2021 की सिर्फ सीरीज नहीं भाई, हमारी इमोशन से भी बढ़कर मूव टू हेवन। क्या बताएं भाई इस ड्रामा सीरीज के बारे में, इमोशंस को शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बिना स्पॉइलर सुने इस ड्रामा सीरीज को आप देखना स्टार्ट करिए, एक पल के लिए भी आप रिग्रेट फील नहीं करेंगे। अपने पिताजी के मर जाने के बाद एक मासूम सा लड़का अपने अंकल के साथ मिलकर ट्रॉमा क्लीनिंग का काम करता है, यानी कि मर जाने के बाद उसके रूम का साफ सफाई करना, उनकी यादों को उनके फैमिली तक पहुंचाना। इस टॉपिक को लेकर भाई इसके डायरेक्टर ने इस तरह से हमारे सामने रखा है कि दिल में एक अलग ही जगह बना जाती है, कई जगह पे ये सीरीज आपको रुला जाएगी। मानना पड़ेगा भाई कोरिया वालों की ये लोग अच्छी तरह से जानते हैं इमोशन से कैसे खेलते हैं, खासकर लीड कैरेक्टर की एक्टिंग, वो बॉडी लैंग्वेज, वो मासूम सा चेहरा आपकी यादें बन जाएंगी। यार ऐसी मास्टरपीस ड्रामा सीरीज को मिस नहीं किया जाता, अगर नहीं देखे तो आप सीधा एक्सपीरियंस कर डालो, नेटफ्लिक्स की क्लास लेवल हिंदी डबिंग के साथ अवेलेबल है। तो भाई ऐसे ही सिर्फ क्वालिटी के लिए आपके तरफ से 1 सब्सक्राइब तो बनता है ना, और यकीन मानिए आप तक सिर्फ क्वालिटी ही लाया जाएगा। और आप लोग हमेशा से कमेंट करते हो यार कि बैकग्राउंड म्यूजिक का लिंक दो यार, हर किसी को रिप्लाई नहीं कर सकता ब्रो, आप हमारे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हर वीक हम बायो में बैकग्राउंड म्यूजिक को अपडेट करते हैं, तो भाई ज्वाइन कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही क्वालिटी के साथ।